वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों आज हम लोग तंत्रिका तंत्र भाग एक को पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम पार्ट वन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 15 बायोलॉजी की क्लास को देखेंगे। साथियों इसकी पीडीएफ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ ले सकते हो। ये क्लास 15 है, इससे पहले 14 क्लासे हो चुकी है जो की प्ले लिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। साथियों यहाँ जो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, वो बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है? साथियों ये डेफिनेशन तो आपको सबको पता होगी कि वह तंत्र जो सोचने, समझने और स्मरण रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी कि द सिस्टम विच हेल्प इन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग एज वेल एज एस्टेब्लिशिंग हार्मनी एंड बैलेंस इन द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। साथियों हमारे शरीर के हर एक अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। किडनी हमारी ब्लड को क्लीन करने का काम कर रहा है, वहीं हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है साथियों, वो ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला। ये बात समझ रहे हैं? तो हमारा लीवर जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जो फूड वगैरह में जाते हैं या अल्कोहलिक सब्सटेंस है, उनको समाप्त कर रहा है। तो हमारे शरीर के विभिन्न जो आर्गन है वो अलग अलग काम करते हैं। हम भोजन का निवाला मुंह में लेते हैं और ये भोजन का निवाला ग्रास नली से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक यानी कि आमाशय में पहुंचता है और वहां एंजाइम सिक्रीट होना चालू हो जाते हैं। क्या हम आप कहते हैं क्या कि एंजाइम निकले तो वो एंजाइम निकलता है? हाँ कुछ चीजें हैं जैसे वॉलेंट्री एक्शंस जिसे हम कहते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जैसे बोलना है, बॉडी बैलेंसिंग करना है, समझ रहे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना है, ये तो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। लेकिन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, हार्ट बीट का रेगुलेशन, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस है, ये भी तो हो रही है बॉडी। तो वह तंत्र जो सोचने समझने, हम लोग जो सोच समझ रहे हैं, स्मरण रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों के सामंजस्य संतुलन, ये जो विभिन्न अंगों के कार्य, ये हमने बात की है, सामंजस्य संतुलन स्थापित करने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। साथ में सेरी ब्रह्म वाला पार्ट जो सोचने, समझने, स्मरण रखने, यानी कि आपकी मेमोरी पावर, समझ रहे हैं? देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हीं पेजों को याद करने में, उन्हीं तथ्यों को याद करने में उन्हें एक से दो दिन लग जाता है। कुछ लोग हैं थोड़ा सा देखे नहीं कि उन्हें याद हो गया, ऐसा भी मैंने देखा है। आप भी आप अपने मतलब साथ के स्टूडेंट्स को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी स्कैनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, एक बार किसी चीज को देखा तो याद रहता है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार पढ़ो, कई बार समझो तो जाके वो चीजें दिमाग में बैठती है, ऐसा बहुत बार होता है। कोई व्यक्ति है गुणा भाग करने में अपने माइंड में ही बहुत तेजी से कर ले रहे हैं, बहुत सारे IITians वगैरह से हम मिले हुए हैं, आप देखेंगे कैलकुलेशन पावर बहुत ही फास्ट है उनकी, माइंड में ही सब कुछ कर लेते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम। और कुछ लोग हैं जब तक पेन और कॉपी नहीं सामने हो तब तक उनका जैसे दिमाग चलता ही नहीं, समझ रहे हैं? वह तंत्र जो सोचने, समझने, स्मरण रखने, तो ये भी नर्वस सिस्टम का ही काम है, समझ रहे हैं? तो यहां पर वही डेफिनेशन फिर से आपको बताई गई है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कम्युनिकेट with each other, it also react to changes both outside inside of the body. The nervous system uses both electrical and chemical means to send the receive messages. साथियों हमारे जो बॉडी है, न्यूरॉन्स है, उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज भेजने का काम करता है। इसमें हम लोग देखेंगे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, कौन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, समझ रहे हैं? कौन ऑर्डर को लाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे साथियों। तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करें साथियों, हालांकि यहां पर आप देखने में एक हम क्लासिफिकेशन किए हैं, नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है साथियों। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आता है। अब आपको हम पहले थोड़ा बहुत
एक सिंपल पेज में डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि आप समझिए, ये ब्रेन है, चौदह सौ ग्राम का। हालांकि बच्चों का ब्रेन 300 से 400 ग्राम का ही होता है, ब्रेन के बारे में तो बात हम बाद में करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्रेन, और ये साथियों स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को यदि मिला दो तो CNS बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है साथियों, नर्वस सिस्टम जो है वो दो भागों में बटा है। पहले है CNS, फिर है PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। और ये साहब पेरिफेरल, अब यहां वहां पर मैंने लिखी है पूरी स्पेलिंग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर। तो भैया CNS में कौन आता है? CNS में आता है ब्रेन, प्लस कौन आता है? स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत? तो CNS में कौन आया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है भाई। अब PNS में फिर कौन आएगा? साथियों PNS की बात करें तो ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन्स या नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स। तो जो ब्रेन से निकलते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, क्योंकि हमारा ब्रेन एक क्रेनियम में सुरक्षित होता है। कपाल आप देख रहे हो ना, इसमें सुरक्षित होता है, इसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। जबकि ये स्पाइनल नर्व है, साथियों इसे कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, तंत्रिकाएं, इसे मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, क्योंकि मेरु रज्जु से निकली है तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हाँ भाई हिंदी वाले घबराइए नहीं, सब कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको क्या कहेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये क्या है? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। बात समझ में आया? कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, समझ रहे हैं? जो CNS है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बटा हुआ है, और PNS कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका में बटा है। ब्रेन का मतलब हिंदी में क्या होता है साथियों? मस्तिष्क। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, समझ गए। अब साथियों PNS को हमने क्या बांटा? PNS कितने में बांटा भाई? PNS को मैंने बांट दिया क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्या PNS केवल दो भागों में बटा होता है, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व? नहीं, PNS को एक और तरीके से बांटा जाता है। कैसे साहब? साहब PNS जब हम बात करते हैं PNS, देखो क्या हमने पहले बताया, एकदम शुरू से देखो, इसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। नर्वस सिस्टम एक बना CNS, अभी ये CNS की बात करते हैं। CNS कितने में बटा होता है? कितने में बटा होता है भाई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
ये देखो ना पीछे, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। पीएनएस को दो आधार पर बांट के पढ़ा जा सकता है। एक आधार क्या है? नर्व का। वो कैसे? वो ऐसे, क्रेनियल नर्व और भैया स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले स्पाइनल नर्व, जो क्रेनियम जो ब्रेन वाले हिस्से से निकले वो ये दे। ये दूसरा क्या आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ साथियों वर्क, कार्य के आधार। कार्य के आधार पर कैसे बांटोगे? कार्य के आधार पर। पहली बात समझिए, ये जो पीएनएस होते हैं ना साथियों, ये जो पीएनएस है ये सीएनएस के असिस्टेंट है, नौकर है साहब। ये पीएनएस कौन है? सीएनएस के असिस्टेंट। यानी कि सीएनएस जो जो काम करते हैं उसमें पीएनएस हेल्प करता है उनका। दो ही काम है हमारे शरीर में, या तो ऐच्छिक या तो अनैच्छिक। कुछ काम अपनी इच्छा पर निर्भर है, जैसे चलना है, बोलना है, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है, स्पीकिंग है, ये तो एक तरीके से ऐच्छिक है। दूसरा अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, जैसे बैठा हूं एक्सक्रीशन हो रहा है। कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है भाई? CO2 बाहर कर रहे हैं कि नहीं फेफड़े से? तो ये एक्सक्रीशन, स्वेटिंग हो रही है कि नहीं एक्सक्रीशन, पसीना हो रहा है कि नहीं, तो ये एक्सक्रीशन उत्सर्जन में आए। तो भैया वो पीएनएस, पीएनएस किसके हैं? सीएनएस के असिस्टेंट हैं। तो भैया पीएनएस जब बांटते हैं तो वर्क के बेस पर जब बांटते हैं तो हम कहते हैं पीएनएस का वो भाग जो सीएनएस के वॉलेंट्री, यानी कि सीएनएस के वॉलेंट्री एक्शन में काम आए। वॉलेंट्री समझते हो? वॉलेंट्री समझते हो? ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर है, ऐच्छिक कार्यों में काम आते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, क्लियर? और भैया जो सीएनएस के अनवॉलेंट्री कार्य, यानी कि जो इच्छा पर निर्भर नहीं है, अनैच्छिक, सीएनएस के अनवॉलेंट्री कार्य, सीएनएस के अनवॉलेंट्री कार्य में सहायता करें, तो उसे क्या कहते हैं भैया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, समझे? अब ऑटोनॉमस भी आगे चलकर दो में बटा होता है, इसको मैं व्हाइट से लिख दे रहा हूं। किसमें? किसमें ऑटोनॉमस भी दो भागों में बटा होता है? किसमें? किसमें ऑटोनॉमस बटा होता है? कुछ अनैच्छिक, जो ऐच्छिक ऑटोनॉमस, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक मिनट, एक मिनट। ये अनैच्छिक लिखना, क्योंकि वॉलेंट्री है यार, अनैच्छिक। ये वाला ऐच्छिक लिखना, ऐच्छिक। ये अनैच्छिक, यानी कि ये अनवॉलेंट्री। ये क्या है? वॉलेंट्री, सीएनएस के अनवॉलेंट्री एक्शन में काम करें तो स्वायत्त, सीएनएस के वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रियाओं में सहायता करें
वो सोमैटिक। अब यार अनैच्छिक क्रिया जैसे हार्ट बीट, जैसे आपको कुत्ता दौड़ाया तो आप क्या करेंगे, तेजी से भागेंगे, हार्ट बीट बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगी, बीएमआर रेट बढ़ेगी। तो ऐसे में जो अनैच्छिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं और जो अनैच्छिक क्रिया की गति को घटाते हैं, जो अनैच्छिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं साथियों उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, और जो अनैच्छिक क्रिया की गति को घटाते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं। जो अनैच्छिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, अनवॉलेंट्री एक्शंस को बढ़ाते हैं, उनको साथियों हम कहते हैं सिंपैथेटिक। और जो घटाते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासिंपैथेटिक। सर हिंदी में बताइए। अच्छा बेटा हिंदी सुन लो, इसे साथियों कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं परानुकंपी। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं परानुकंपी, परानुकंपी, समझ गए, परानुकंपी कहते हैं इसे, परानुकंपी और इसे अनुकंपी कहते हैं। तो देखो नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में मस्तिष्क और मेरु रज्जु, दंड नहीं मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। एक मिनट देखें क्लास हमारी हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। पीएनएस कौन है, असिस्टेंट ऑफ द सीएनएस। भैया पीएनएस वही काम करेंगे जो सीएनएस इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखेगा, जो ठेका दे रखेगा कि हाँ भाई पीएनएस फला फला काम कर दो, भाई करेंगे। कार्य के आधार पर सीएनएस के अनवॉलेंट्री एक्शंस को करने वाले ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये के ऑटोनोमस क्या है, पीएनएस का पार्ट है। सीएनएस के वॉलेंट्री एक्शंस में सहायता करने वाले सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक तंत्रिका तंत्र। अब साथियों ऑटोनोमस की कभी गति बढ़ जाती है तो उसको करते हैं सिंपैथेटिक, और कभी गति घट जाती है उसे हम कहते हैं पैरासिंपैथेटिक। ये बढ़ा हुआ क्या है, कार्य वर्क। अभी हम सिंपैथेटिक पे आएंगे, घबराइए नहीं, मैं पूरा चीज लिखूंगा यहां, कार्य बढ़ जाता है कार्य घट जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां मैं पूरी चीज लिखूंगा। अभी मैं केवल इंट्रो दे रहा हूं, इंट्रो बता रहा हूं, अभी पार्ट तो देख लो भाई, फिर कार्य देखेंगे आगे चलकर, समझ में आया। अब साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे तो वही चीज यहां पर है, ये देखो नर्वस सिस्टम सीएनएस में बटा, पीएनएस में बटा। एक मिनट, वाइट हो जाने से, ये सीएनएस पीएनएस, सीएनएस का वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस देखो ऑटोनोमस सोमैटिक, इसी को तो हम काइक बोले थे, इसी को तो हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोले थे भैया, इसी को काइक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पेरिफेरल को क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र, वही चीज तो मैंने लिखाया। ऑटोनोमस को पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, देखो सिंपैथेटिक में एक्टिव अलर्ट यानी कि क्रिया की गति को बढ़ाना, पैरासिंपैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट क्रिया की गति को घटाना, ये काइक। ये सिंपैथेटिक को क्या कहते हैं, अनुकंपी। इसको साथियों क्या कहते हैं, परानुकंपी। कोई दिक्कत, वही यहां भी, वही सारी चीजें यहां पर भी। अब साथियों यहां पर हम ब्रेन की बात करेंगे, जो सीएनएस में आपने ब्रेन देखा, क्या ये ब्रेन भी कई भागों में बटा होता है, बिल्कुल यार, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फ्रोजन सेफेलॉन, मीजन सेफेलॉन, रोम्बन सेफेलॉन, यही वाले पार्ट है। ये देखो ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी पार्ट ये देखो, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन के इसमें पार्ट नहीं दिए हैं, हाइंड ब्रेन, बॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम। अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भैया ब्रेन भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, आगे इसको देखते हैं भाई ब्रेन कौन कौन से हिस्से में बटा हुआ है। तो देखिए जब साथियों हम ब्रेन कहें तो ब्रेन की जब बात करते हैं तो ब्रेन कितने हिस्से में बटा है, तीन हिस्से, फोर ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन और भैया हाइंड ब्रेन। ये अभी जब हम डायग्राम से समझाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। साथियों फोर ब्रेन की जब बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको मध्य मस्तिष्क, इसको पश्चिम मस्तिष्क, भैया इसको एक और नाम प्रोजन सेफेलॉन, प्रोजन सेफेलॉन, सेफेलॉन लिख सकते हो। इसे मीजन सेफेलॉन के नाम से जानते हैं, इसे रोम्बन सेफेलॉन के नाम से जानते हैं, फोर ब्रेन के कौन से पार्ट। तो साथियों फोर ब्रेन की जब बात करें तो इसमें आ जाता है सेरिब्रम, दूसरा आ जाता है डायएनसेफेलॉन, मिड ब्रेन के पार्ट करें तो इसके तीन आ जाते, हाँ दो ही आते हैं मिड ब्रेन। इसके सारे के कार्य हम देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन तो हम देख लें एक बार। साथियों कारपोरा, क्वार्डी जिमना, क्वार्डी जेमिना और सेरिब्रल पिंडिकल, हाइंड ब्रेन की बात करें तो भैया पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम। मिड ब्रेन तो ये जो मस्तिष्क है ये तीन भागों में बटा है, डायएनसेफेलॉन आगे चलकर साथियों थैलेमस, हाइपोथैलेमस में बदल जाता है, हाइपोथैलेमस। यहां तक किसी को कोई डाउट बताएं। देखिए अगर कहीं कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइव में बैठे हैं आप तुरंत बोल सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा, प्लीज। हाँ अंकुर जी, अनुस जी बोलिए, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंकुर जी, नहीं ब्रेन तीन हिस्से में बटा हुआ है, बेसिकली जो ब्रेन है वो तीन हिस्से में बटा हुआ है। अब कहीं कहीं पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा का पार्ट मान लेते हैं तो हाइंड ब्रेन में केवल दो ही हिस्से दिखाते हैं, समझ रहे हैं, मिड ब्रेन में दो हिस्से और फोर ब्रेन में कहीं कहीं आप देखेंगे तीन हिस्से दिखाएंगे। इसका मेन कारण है साथियों, इसका मेन कारण है ना कि डायएनसेफेलॉन दो भागों में बटा है, थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस ये पूरा दिखाए,
और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि सेरिब्रम डायएन्सेफेलॉन दिखा दी। समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये आपने यहां पर समझ लिया कि कैसे क्या है हमारे में सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी वर्क पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब साथियों अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये इतने पार्ट में बटा हुआ है। वही चीज हम वहां पर अभी हम लोग देख रहे थे कि ये देख लीजिए, ये सारी चीजें फोर ब्रेन ये लिखा हुआ है एक एक करके यहां। एक मिनट, हाँ ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइंड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, ये चीज समझ रहे हैं। ये तीन मिड ब्रेन के उसमें पार्ट नहीं दिखाई गए। अब ये जो ह्यूमन ब्रेन के हिस्से हैं ये साथियों फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, समझ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम वगैरह, ये एक तरीके से जब हम सेरिब्रम पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। अगर साथियों आपसे पूछा जाए ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है तो बताना है फोर ब्रेन है, सबसे छोटा हिस्सा मिड ब्रेन है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, ये फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट अंगों की जब बात करें तो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट है और सेरिबेलम सबसे छोटा है। अगर अंग, अगर हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन सबसे छोटा है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, लेकिन इसके पार्टों की बात करें तो सेरिब्रम सबसे बड़ा है, सेरिबेलम सबसे छोटा है। साथियों इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, कई जगह लिखा होता है तो आप याद रखिएगा प्रमस्तिष्क, और इसको सेरिबेलम को कहते हैं अनुमस्तिष्क। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन केवल देखें। अब अगर एक बार हम लोग डायग्रामेटिकली इसको देखें, यहां पर ध्यान में रखिएगा ये साथियों एक तरीके से नर्व का नर्व सेल्स एक तरीके से दिखाया गया है। यहां भी आप नर्व सेल्स देख रहे हैं, इसमें कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इसके बारे में बताया गया है, अभी हम उस पर बात करेंगे। जैसे साथियों यदि हम ब्रेन की बात करें तो 100 मिलियन न्यूर नर्व सेल से मिलकर बनती है, 100 मिलियन ये नर्व सेल ऐसे ही होती है, आप सोच के देखिए 100 मिलियन नर्व सेल, और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, क्या है भैया, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं यही है, लंबी कोशिका, समझ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज हम थोड़ा सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मान लीजिए साथी ये स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर साथी मेडुला ऑब्लंगाटा जुड़ा होता है, इसके जस्ट ऊपर पॉन्स वेरोलाई जुड़ा होता है, जस्ट ऊपर साथियों पॉन्स वेरोलाई, इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, ये, और इन्हीं से एक जुड़ा हुआ आर्गन पीछे साइड में होता है, ये सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। तो ये क्या है भाई, मैंने अभी जस्ट बताया मेडुला ऑब्लंगाटा जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा है, गाटा, ये क्या है, पॉन्स वेरोलाई, ये क्या है, सेरिबेलम। हिंदी में नाम यही याद रखिएगा, कारण यह है आपको इंग्लिश, इसकी हिंदी देवनागरी में हिंदी नहीं मिलती इसकी जल्दी। अब इसके ऊपर पूरा का पूरा साथियों यहां पर एक और आर्गन है,
ये जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ये जितने अभी आप ये यहां से यहां तक देखें, ये क्या है? ये हाइंड ब्रेन है, जिसे आप कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है साथियों, मैं यहां लिख भी दे रहा। अब ये जो मध्य मस्तिष्क है, इसके ऊपर तीन लेयर है। मध्य, ये जो सबसे बड़ा सा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे जाइए, पहला और ये दूसरा, दो पार्ट इसके, मतलब तीन पार्ट इसके कर दें। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? ये वाला हिस्सा साथियों थैलेमस कहलाता है, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये सेरिब्रम कहलाता है। ये आप देख रहे हैं मिड ब्रेन, और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। इसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। यहां पर एक झिल्ली होती है साथियों, मेनिंजीज झिल्ली के नाम से इसको जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर एक झिल्ली, पहली झिल्ली, ऐसे साहब दूसरी, अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, सोच रहा हूं कि ऐसे साथियों तीसरी झिल्ली, ये पूरी झिल्ली होती है। इसमें मैं पूरा बना ही हूं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आप लोग। ये जो झिल्ली है, इस ये जो झिल्ली है और ये जो झिल्ली, इसके अलग अलग नाम है। जैसे अगर इस झिल्ली की बात करें तो साथियों सबसे ऊपर यहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई सबसे ऊपर कौन सा है, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ रोहित बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रोहित जी बताएं, एक बार फिर से कमेंट करिए, आपके कमेंट क्लियर नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक, तो देखिए ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर कौन है? ड्यूरा मैटर जो सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखिए बात ये है ना कि अभी सारी चीजें हम तुरंत नहीं दे पाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो तुरंत तो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी ना, थोड़ा सा रुकिए, फिर ज्योग्राफी की अन्य क्लासें भी होंगी। ड्यूरा मैटर साथियों यहां पर है अरैकनोइड, ये वाला, इसका नाम है पाया मैटर। इन तीनों को मिला देते हो जब तो एक झिल्ली बन जाती है साथियों, इसको मेनिंजीज झिल्ली कहते हैं, जिससे मेनिंजीज मेम्ब्रेन है साथियों। इसी में जब फंगल अटैक हो जाए, वायरल अटैक हो जाए या फिर बैक्टीरियल अटैक हो जाए, तो इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। आइटिस शब्द कहीं भी बायो में लग जाए, समझ जाना वहां पर स्वेलिंग हो रही है, पेन होना चालू हो गया है। समझ रहे हैं? मेनिंजीज झिल्ली में जब स्वेलिंग हो जाए, पेन हो जाए, बैक्टीरियल इंफेक्शन जीवाणुओं का संक्रमण, वायरल इंफेक्शन यानी कि विषाणुओं का संक्रमण, फंगल इंफेक्शन यानी कि कवकों का संक्रमण, तो साथियों हो जाता है क्या? मेनिंजाइटिस, एक बहुत गंभीर बीमारी है जो कि वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, कवक से भी हो सकती है। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ब्रेन के तीन हिस्से, ये पूरा सीएनएस है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं आप, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगाटा से जुड़ा हुआ है, मेडुला ऑब्लंगाटा और पॉन्स वेरोलाई के बीच, मतलब एक तरीके से इसको मैं जरा जूम कर दूं, हाँ ये देखिए, इसके जस्ट बगल में साथियों ये सेरिबेलम, इसके जस्ट ऊपर ये पॉन्स वेरोलाई है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है,
ये देखिए बीच में है मिड ब्रेन और इसके ऊपर है साथियों ये पूरा का पूरा ये कौन सा है फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के ये पीछे वाला हिस्सा सेरिब्रम कहलाएगा, हाइपोथैलेमस थैलेमस सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम साथियों। इसके तीन झिल्लियां हैं जिसे हम पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर कहते हैं, जिसे मेनिंजीज मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी में जब वायरस बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। क्या होती है भाई, अगर वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन और ये डिजीज में हम पढ़ाएंगे, या फंगल इंफेक्शन हो जाए तो एक बीमारी मेनिंजाइटिस कहलाती है, मेनिंजाइटिस। समझ गए? तो उम्मीद है साथियों हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया है, अभी इसके कार्य बताएंगे, वर्क बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में फिर नए सिरे से मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। इसका पार्ट टू लाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। साथियों यदि आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल ये सेशन रहता हो तो जरूर शेयर कर दिया करिए गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही, जय हिंद।